मेरा पिछले साल नवंबर में एक्सीडेंट हुआ था, जो कि मैं जीएमसी में एडमिट था। फिर मेरा एक मेरा सीटी हुआ, सीटी के बाद डॉक्टर को कुछ डाउट हुआ, फिर उन्होंने मेरे को एमआरआई रेफ़र किया। एमआरआई में मेरे को ब्रेन में कुछ क्लॉट्स आए, फिर डॉक्टर ने मेरे को पीजीआई के लिए रेफ़र कर दिया कि ऑपरेट आप पीजीआई से करवाओ। फिर हमने पीजीआई से ऑपरेट कराया, जो थ्रू गोल्डन कार्ड, जो मेरा बिल्कुल भी मुफ्त हुआ था। उसके बाद मेरा उसके बाद हमको वहाँ से डिस्चार्ज मिला। हमने एसकॉम्स में, जम्मू में एसकॉम्स बत्रा में अमेरिकन ऑनकोलॉजिस्ट के अंडर अपना ट्रीटमेंट कराया गोल्डन कार्ड, जो हमारा बिल्कुल भी मुफ्त हुआ। उसके बाद जब हमको वहाँ से डिस्चार्ज मिला, हमने फिर यहाँ पे सिटी ऑनकोलॉजिस्ट में मेरा अभी भी इलाज चल रहा है, जो बिल्कुल भी डॉक्टर आशुतोष के अंदर, जो अभी भी बिल्कुल मुफ्त चल रहा है। मेरे तो किडनी की प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग से, शुरू से आई थी, तो फिर हमने ऑपरेशन करवाया, ट्रांसप्लांट करवाया, वो थोड़ी देर चला, फिर किडनी रिजेक्शन में चली गई। फिर हमने चेक करवाया, वो उन्होंने बताया कि अब जो डायलिसिस कराना पड़ेगा। जब हमें पता चला, थोड़ी परेशानी आ गई, पता फाइनेंशियली आ गई, वीक थे, तो फिर आयुष्मान की कार्ड की वजह से थोड़ा सा हमें सहारा मिला। फिर हम जितने भी डायलिसिस हुए 2018 से लेके अभी तक, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते रहे वहाँ पे हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट में। ये आयुष्मान कार्ड जब हमें इनके डायलिसिस स्टार्ट होने से पहले 3 महीने पहले ही अवेलेबल हुआ था, तो हमें लगा कि हमें तो कभी यूज़ किया नहीं था, हमें मतलब कैसे इसका प्रोसीजर है। जब हम वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि इसमें कितना फ़ायदा है पेशेंट को। अगर ये डायलिसिस आयुष्मान भारत पीएम मोदी का कार्ड नहीं होता तो हम ये डायलिसिस नहीं करवा सकते थे। 2018 से लेके 2020 तक हम लगातार हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ मेडिसिन, और इतने सपोर्टिव है आयुष्मान वाले जो वहाँ पे बैठे हैं भैया, वो इतना सपोर्ट करते हैं कि हर फॉर्म, मतलब हर मेडिसिन मिलती है।